नमस्कार दोस्तों, सज्जन न्यूजीलैंड की तरफ से सभी किसान भाइयों को राम राम। आज भाई रैम पाए हुए थे मकड़ के वह, और यहाँ पे चल रहा है भाई 56 फोर व्हीलर है, 17 चला रहा है भाई बड़ी गोड़ी के साथ। हर भाई ट्रैक्टर चल रहा है, और अभी दिखाएंगे आपको एक डबल जोड़ेगा जो डंपर है उसको कितनी गोड़ियों में भरेगा भाई। यह एक बार भाई नीचे कैसे गोड़ी थे बस साफ करके ना, और फिर ट्रैक्टर लगाया जाएगा। कितने गोड़ी मर कितने टाइम में भरेगा वो देखा है भाई। ये बनी पेट निकाल दी, ट्रैक्टर भाई आ रहा है यूरो 55 और ट्रैक का डबल जोड़ेगा है और डबल बाड़े का डंपर है। ये भाई लगा दिया है नीचे, और पहली गोड़िया डाल दी भाई। कितने समय में कई गोड़िया में डंपर ना भर रहेगा देखो भाई। हेलो, हाँ भाई ठीक ठाक आ जाओ यार, रैंप आ जाओ वाली आ जाओ भाई। पूरी गोड़ी भरी हुई भाई, दो गोड़ी होगी हैं। तीन गोड़ी भाई, ट्रैक्टर कोई धुआं नहीं कोई दबाव नहीं, ट्रैक्टर बढ़िया खुल के चल रहा है। तीन गोड़ी होगी लगातार ट्रैक्टर चल रहा है भाई। ये कुछ परफॉर्मेंस हैं भाई, मगर तो पूछेंगे बताऊंगे जो भाई कहे हैं कि भाई CRDI
कैसा ट्रैक्टर है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या एवरेज है, वो सारी चीज़ें ही मैं बताई जाएंगी। क्योंकि जो इंडिया का पहला ट्रैक्टर लॉन्च होते हुए, पहला ट्रैक्टर भाई मगड़ जितेंद्र पहलवान भैया ने ये ट्रैक्टर लिया था, और शुरू से लेकर आज तक रैंप के ऊपर चल रहा है भाई ट्रैक्टर। तो जो रिव्यू होगा, जो फीडबैक होगा, वो सारी चीज़ें बताएंगे भाई मगड़ प्रधान। चारू कौन है? हाँ, पुल बना रहे की बार। मतलब छह गोड़ियां का है भाई। डाल भर रखी देख लो, को कूणा खाना रह रहा होता अगला और आ जाया भर पास। कै फुटी गोड़ी है? कै फुट की गोड़ी? 7.5 और 3 हाइट इसकी भाई गोड़ी की, देख लो भाई भाई 7.5 चौड़ाई है और 3 ऊंचाई है। पंजाब वाली बोल रहे ना ही ना, या गोड़ी है पंजाब का खर्रा। वाह भाई, पंजाब का खर्रा और रैंप का छतरा। 7.5-3 की गोड़ी है भाई पंजाब वाली। वो तो फुल भर रहा और तो केड़ा गल लगी भाई। पर भाई गा गा के ले जाएगा थी। ये भाई CRDI जो 5620 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो के लॉन्च होते ही पहला ट्रैक्टर मगड़ प्रधान ने लिया था भाई, और उस दिन से लेकर आज तक भाई रैंप के ऊपर चल रहा है। 70 भाई चला रहे हैं और बंद कर ले मगड़ भाई, बताऊंगे ट्रैक्टर की के कुछ खिंचाई है भाई, के कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है। तो मगड़ भाई, आपका न्यू हॉलैंड परिवार में फिर से हार्दिक स्वागत है, और आज आपके पास आए हैं ट्रैक्टर का रिव्यू पूछ रहे हैं। और जमींदार भाई जानना चाहोगे जो CRDI में जो तकनीक आई है और जो खिंचाई है, जो जो आपने बाया है, जो आपने देखा, जो कराया है, वो एक बार रूबरू हो जाओ किसानों के साथ भाई। यो जो पिछले 56-20 में उनका बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, खिंचाई उससे बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बिल्कुल। आगे पहले कुछ कमी थी, वो सुधार होगी, अब ठीक चल रहा है बिल्कुल। 2 साल के करीबन और 2400 घंटे के लगभग चल रैंप चल रहा है। तो जो खिंचाई है, जो पहले 56-20 बारे थे आप और ये CRDI है, उसमें खिंचाई में कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो एक ये मोड दिए गए हैं इको प्लस और पावर, इसका बारे प्लस को उसको तो यूज करते नहीं हम, तो पावर में ही चलाओ, पावर में चलाओ क्योंकि काम भी पावर का ही है। चलो, तो जो एवरेज थी, जो माइलेज थी उस ट्रैक्टर में और इस ट्रैक्टर में, कुछ वो भी फर्क दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, वो उससे तो कम तेल खा रहा है, कम ले रहा है। चलो, तो क्या कहना चाहोगे जो किसान भाई CRDI ट्रैक्टर लेना चाह रहे हो? भाई ले लो, बढ़िया ट्रैक्टर है, बढ़िया ट्रैक्टर। चलो, ये भाई अपने प्रधान जी है मगड़ बेरी से, जो कि पहला ट्रैक्टर लॉन्च होते ही इन्होंने ये ट्रैक्टर लिया था, जो कि लगातार अपने न्यू हॉलैंड परिवार से जुड़े हुए हैं, और 10-12 ट्रैक्टर इन्होंने
जो भी नया मॉडल आया है वो पहला ट्रैक्टर इन्होंने लिया है और चलाया है, और 2 साल के करीब ये ट्रैक्टर चलते हुए और बढ़िया परफॉर्मेंस, बढ़िया खिंचाई और बढ़िया एवरेज दे रहे हैं। तो जो भी किसान भाई CRDI का ट्रैक्टर खरीदना चाह रहा है वो आए एक बार यहाँ देखे और अपने न्यू ओलैंड परिवार में शामिल हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जो भी डेमो वगैरह जो परफॉर्मेंस होंगी और जो भी जानकारी होगी न्यू ओलैंड के बारे में वो समय समय पर आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।